फ्रेंड्स, आप लोगों का अक्सर ही मेरे पास से सवाल आता है कि सर ये बताइए कि 5 लाइन वाला जो कंप्रेसर होता है उसमें जो 2 एक्स्ट्रा लाइन दिया गया है वो किस लिए है। आज की इस वीडियो में हम 5 लाइन वाले कंप्रेसर के बारे में A to Z पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास ये 5 लाइन वाला कंप्रेसर आ चुका है। इसमें हर एक बात जो है कि आपको बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको 5 लाइन वाले कंप्रेसर से संबंधित सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फिलहाल अभी हमारे पास 2 कंप्रेसर है, हमने 2 कंप्रेसर यहाँ पर रख रखा है, जिससे आप लोगों को दोनों की तुलना करके बता सकें कि इनमें एक्स्ट्रा लाइन कौन सी है। तो फिलहाल अभी हम इसके कंप्रेसर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा ही कंप्रेसर आ रहा है जिनमें 3 लाइनें सिर्फ रहेंगी, जो फ्रिज के अंदर या फिर डीप फ्रीजर में लगाए जाते हैं। तो ये ज़्यादातर जो 5 लाइन वाला जो कंप्रेसर है वो तो फ्रिज वाला ही होता है। तो आधुनिक समय में 3 लाइन वाला ही कंप्रेसर आ रहा है, जैसा कि आप इस कंप्रेसर को देख सकते हैं। इसमें से 2 लाइन देखेंगे तो थोड़ी सी मोटी होगी, तीसरी वाली लाइन थोड़ी पतली होती है। तो जो पतली वाली लाइन होती है वो डिस्चार्ज होती है। अक्सर ही हर एक कंप्रेसर में जो फ्रिज के अंदर लग रहे हैं उसमें यह नियम है कि जो पतला वाला लाइन है वो डिस्चार्ज लाइन है, बाकी जो 2 लाइनें बच रही हैं इनमें से 1 लाइन जो होगा वो सक्शन होगा और दूसरी लाइन चार्जिंग होगी। यहाँ पर कोई भी 1 लाइन सक्शन हो सकती है और कोई भी चार्जिंग हो सकती है। जैसा कि ये चार्जिंग हो सकता है तो ये सक्शन हो सकता है, या फिर आप इसको चार्जिंग बनाएंगे तो ये सक्शन होगा। ये क्या करता है, दोनों ही खींचने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 पाइपें हमारे कंप्रेसर के भीतर होती है। आधुनिक समय में जितने भी कंप्रेसर आ रहे हैं सभी में ये 3 लाइन ही रहते हैं। पुराने कंप्रेसर यदि आपको मिल जाते हैं, अक्सर ये गोदरेज के कंपनी के कंप्रेसरों में देखने को मिलता है। गोदरेज कंपनी का यदि ओल्ड मॉडल कहीं आपको फ्रिज मिलेगा तो उसमें आपको इस तरीके से 5 लाइन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 इधर के तरफ दिख रहा है, और 1 लाइन आप देख सकते हैं इधर दिख रहा है, ये 5 लाइन हो गया। तो पहले तो हम ये 3 लाइन को समझ लेते हैं कि जो मुख्य 3 लाइनें होती हैं वो किधर हैं। तो वो 3 लाइनों में से ये वाली 1 लाइन है जो कि मोटी वाली लाइन है, ये सक्शन या चार्जिंग में से कोई एक हो सकती है, और एक मोटी लाइन ये है जो कि ये भी सक्शन या चार्जिंग हो सकती है। वैसे इस जिस फ्रिज में ये लगा था इसको चार्जिंग बनाया गया था और ये सक्शन बनाया गया था। ये दोनों जो लाइन है वो खींच सकती है, हवा को अंदर के तरफ खींचने का काम करती है। बाकी इनके अलावा एक और लाइन होगा, ये वाली लाइन जो कि डिस्चार्ज वाली लाइन है, ये हवा को बाहर की तरफ निकालने का काम करती है। उसके अतिरिक्त इसमें ये 2 एक्स्ट्रा लाइन है। यही जो है बहुत ज़्यादा सवाल पैदा करता है कि आखिर में ये जो 2 लाइन है वो क्यों दिया गया है। तो ये दोनों लाइन जो है खास अंदर के तरफ कोई जाकर के कुछ भी नहीं जुड़ा है, ये गया है अंदर और अंदर जाने के बाद ऐसा यू शेप में टर्न लिया है और ऐसे ये आ गया है। यदि आप इसको काट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पाइप है कहीं जुड़ी नहीं है, सिर्फ यहाँ से होल करके गई पाइप और उसके अंदर गई और उधर से रिटर्न हो करके ऐसे आ गई है। तो ये जो 2 पाइपें हैं वो तो आप समझ गए कि गया है अंदर आया है ऐसे आ गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये दोनों पाइप सेम है, जो कि कंप्रेसर से किसी तरह से इनका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि कंप्रेसर जब भी चलेगा तो इन दोनों पाइपों से कुछ भी कोई हरकत नहीं होगा, ना ही ये हवा को अंदर की तरफ खींचेंगे ना ही ये हवा को बाहर की तरफ निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से यदि आप फूंक मारते हैं, यानी कोई भी हवा का सोर्स इसके अंदर जोड़ते हैं, प्रेशर इसमें से जोड़ेंगे तो वो प्रेशर ये तुरंत यहाँ से निकाल देगा। उसके बाद ये एक दूसरे के साथ, मतलब ये क्यों देता था और इसका क्या मेन कारण है इसको हम समझ लेते हैं। क्योंकि जिस भी एक फ्रिज में आता था ना उसमें जो कंडेंसर था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ रहता था। ऊपर का हिस्सा जो है कि कुछ हिस्सा में
छोटा कंडेंसर था और नीचे की तरफ कुछ बड़ा कंडेंसर था, तो उन दोनों कंडेंसरों को एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करने के लिए ये दोनों पाइपें इस्तेमाल की जाती थी। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे व्हाइट बोर्ड पर ताकि आपको वो पूरी तरह से समझ में आ सके। अभी फिलहाल आप इन सभी पाइपों को समझ गए होंगे, कुछ और चीज़ें हैं इसके अंदर, और भी सवाल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। हमारे ग्रुप में भी इसका अक्सर ही फोटो आता रहता है, आप देख सकते हैं। इसमें रेफ्रिजरेंट के नाम पर कुछ लिखा नहीं गया है, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा सा स्टिकर को मैं जूम करना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस पे रेफ्रिजरेंट में कहीं कुछ भी नहीं लिखा गया है कि ये रेफ्रिजरेंट इसके अंदर डाला गया है, बस ये एक सिंबल बना हुआ है और ये सिंबल जो है ज्वलनशील जो है कि पदार्थ को दिखा रहा है, यानी जो गैस इसके अंदर डाला गया है वो ज्वलनशील है। पहले के समय में जो भी गैस इसके अंदर डाले जाते थे, मतलब फ्रिज में जो गैस डाला जाता था वो R12 गैस था, यानी सिंगल ही गैस था जो कि R12 रेफ्रिजरेंट था, वो ज़्यादातर फ्रिजों में डाला जाता था। लेकिन आधुनिक समय में उस गैस को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, यानी R12 को बैन कर दिया गया है। कहने का अर्थ ये है कि ये हमारा जो कंप्रेसर है बहुत पुराना है और पुराने कंप्रेसर में ये R12 के लिए ही ये सिंबल है, यानी इस कंप्रेसर में R12 डाला गया होगा। अब आज के समय में वो गैस नहीं मिल पा रही है, यानी R12 गैस को बैन कर दिया गया। क्यों बैन किया गया? क्योंकि वो जो गैस है हमारे पर्यावरण के लिए खतरा था, यानी हमारे वातावरण में जो ओजोन लेयर है उस लेयर को नुकसान पहुंचा रहा था, इसके वजह से जो है कि उसको बंद कर दिया गया और उसके जगह पर R134a, फिर हाइड्रोकार्बन R600, ये तीन गैसों को लाया गया। कहने का मतलब यह है कि आज के समय में जो फ्रिज के अंदर गैस डाली जाती है वो तीन गैसें हैं, R134a, हाइड्रोकार्बन और R600। अब जिसमें R12 मिल जाए तो उसमें इन तीनों में से कौन सी गैस को डाल सकते हैं? तो हाइड्रोकार्बन गैस को डालिए, बहुत बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको प्रैक्टिकल करके देख लिया है, उसके आधार पर हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पर आप हाइड्रोकार्बन डालेंगे तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि यहाँ रेफ्रिजरेंट के नाम पर कुछ लिखा नहीं गया है, ये सिर्फ सिंबल है। यदि ऐसा होता है तो आप यहाँ पर हाइड्रोकार्बन डाल सकते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि इसमें जो दो एक्स्ट्रा लाइन है वो किस लिए था। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम व्हाइट बोर्ड के तरफ चलते हैं और व्हाइट बोर्ड पर सारी चीजें समझते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा चित्र हमने इस तरीके से बना रखा है। यही वो कंप्रेसर है जिसमें से पांच लाइन निकला हुआ है। आप देख सकते हैं ये डिस्चार्ज लाइन है, यानी जो गैस को बाहर निकालता है, ये चार्जिंग लाइन है और इधर के तरफ सक्शन लाइन है, और वो जो दो एक्स्ट्रा लाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लाइन अंदर गई और ऐसे बाहर के तरफ निकल गई, या फिर ऐसे गई और ऐसे निकल गई, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये अंदर गया और अंदर से बाहर निकल गया। यदि आपको इस कंप्रेसर को सिस्टम में जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे? तो पहले के समय में ये जो कंडेंसर आता था वो दो भाग में आ रहा था, यदि ये कंप्रेसर लगाना हो तो उसको इस तरीके के कंडेंसर के साथ ही जोड़ा जाता था। अब इसमें आप देख सकते हैं इस कंडेंसर में क्या खास बात है, ये जो है चार लाइन, मैंने इधर चार लाइन बनाया है, वैसे बहुत सारी लाइनें होती हैं, तो ये चार लाइन जो है ये नीचे के लाइन से कहीं से कनेक्ट नहीं है। चार लाइनों में से ये दो लाइन, यानी कि इधर से गैस यदि जाएगी तो यहाँ से ऐसे आ जाएगी, ये दो लाइन आ गया, यानी एक गैस के लिए इधर और इधर से आके यहाँ पर, ये दो लाइन हो गया। और बाकी जो बड़ा वाला कंडेंसर आप देख रहे हैं इसके अंदर, तो उसमें आप इधर से गैस को भेजेंगे तो ऐसे आ सकता है। अब इन दोनों कंडेंसरों को एक दूसरे के साथ गैस के साथ जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ा जाएगा? या फिर ऐसा भी हो सकता है यदि इसमें आपका लीकेज आ जाता है तो आप ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, इन दोनों लाइनों को काट के बीच हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जो प्रोसेस है, यानी जो जैसे पहले जोड़ा जाता था उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो लाइन है, तो इन दोनों लाइनों में से जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको हम डायरेक्ट डिस्चार्ज वाली लाइन से जोड़ेंगे, कंप्रेसर के डिस्चार्ज वाली से। जैसा कि आपको पता है कि कंडेंसर का जो कनेक्शन होता है कंप्रेसर के डिस्चार्ज से होता है, तो यहाँ पर डिस्चार्ज से हमने इसका कनेक्शन कर दिया, यानी यहाँ से जो गैस निकलेगी ये तीर का निशान आप देखते रहिए ऐसे जाएगा।
ऊपर जाएगा और यहाँ से घूमते हुए इधर से ऐसे आ जाएगा, इसके अंदर गया और यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये ना ही खींचता है और ना ही बाहर के तरफ निकालता है। लेकिन जब ये जो डिस्चार्ज लाइन है इधर से गैस को कंप्रेस कर रहा है यानी प्रेशर के साथ भेज रहा है, तो वो गैस इसमें जाएगी और यहाँ से ऐसे रिटर्न होकर के वापस आएगी। और जब ये वापस आ रहा है तो ऐसे जा करके ये नीचे वाले कंडेंसर में आ गया और वो इस तरीके से इन पाइपों से होता हुआ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया और उसके बाद अपना जो फिल्टर लगा रहता है, फिर कैपिलरी, कैपिलरी के बाद एवापोरेटर, एवापोरेटर के बाद ये सक्शन लाइन से होते हुए कंप्रेसर के सक्शन लाइन के माध्यम से कंप्रेसर में फिर से वो गैस आ जाती है। तो ये प्रोसेस होता था इनको जोड़ने का। कहने का मतलब ये है कि यदि ये सेम सेम आपको जोड़ना हो तो ऐसे जोड़ सकते हैं, लेकिन आज के समय में ऐसा ना कंडेंसर आपको देखने को मिलेगा मार्केट में और ना ही ये कंप्रेसर नया आ रहा है। ये पुराना ही मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं मिलता। यदि पुराना आपको कंप्रेसर मिल गया, ये बिल्कुल सही है, कहीं लगाना है, तो इन दोनों लाइनों को आप काट के ऐसे छोड़ सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि इसको बंद करना जरूरी है क्या? अब आपकी मर्जी है, बंद कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बंद कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा कंप्रेसर पर, क्योंकि ये जो है कंप्रेसर के अंदर कहीं से भी जुड़ा नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ ये अंदर गया ऐसे बाहर आया, तो ऐसे खुला भी रहेगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि ये कंडेंसर ये वाला नहीं है, यानी कि आपका यही कंडेंसर ऐसे है, मतलब ये यदि हम हटा देते हैं जो आज के समय में कंडेंसर मिल रहे हैं, एक ही पाइप जो है कि वैसा लगा रहेगा, तो यहाँ से ये ऐसे जुड़ा रहेगा, ये ऐसे जुड़ा रहेगा, यानी कि ऐसे डिस्चार्ज वाली लाइन से गैस गई और ऐसे होते हुए यहाँ से ये ऐसे जुड़ा रहेगा, फिर ऐसे होते हुए ये ऐसे चला आएगा। ये लाइन को लगाने का कोई मतलब नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, या फिर ये वाला कंडेंसर आपको मिल गया और आपका ये कंप्रेसर नहीं मिल रहा है, दूसरा कंप्रेसर मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो दो लाइनें आ रही हैं, दोनों लाइन को यू ऐसे करके, ये यू तरीके का एक बैंड अपना पाइप का बना लीजिए और इनको आपस में जोड़ दीजिए, ऐसे भी हो जाएगा। या फिर ऊपर वाले कंडेंसर का जो पाइप है, जो छोटा वाला कंडेंसर है, उसको छोड़ दीजिए, बड़े वाले कंडेंसर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो यदि आप ऐसे करेंगे तो पूरा आपका जो कंप्रेसर हो अलग से लगाना हो इस कंडेंसर के साथ, या फिर इस कंप्रेसर के साथ कोई दूसरा कंडेंसर लगाना है, या फिर इसी कंप्रेसर को कहीं दूसरे जगह लगाना हो, तो आप आराम से लगा सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो हमारी बातें आपको सब कुछ समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी आपका कोई सवाल है या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल सुझाव लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।